तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि हम लोग अभी फिलहाल किस तरीके से बिजनेस को मैनेज करते हैं। तो ये है रिटेलमेंट पॉस जो हम लोग पिछले 10 साल से यूज़ कर रहे हैं। रिटेलमेंट पॉस इसमें हम लोग सारा अकाउंटिंग वगैरह सब कुछ करके देता है, कितना इन्वेंट्री है, कितना प्रॉफिट है, कितना सेल है, पर डे कितना सेल हो रहा है, कौन सा सामान सबसे ज़्यादा बिक रहा है वगैरह वगैरह, सब कुछ हम लोग इसी पे करते हैं। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से ये देख रहे हैं कि जो वॉक इन कस्टमर है उन वो भी उसका संख्या भी थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम लोग वॉक इन कस्टमर को भी सर्व करते हैं। और ये जितने भी आप कैरेट देख रहे हो यहाँ पे, हम लोग होम डिलीवरी का जितने भी ऑर्डर्स आते हैं वो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट अरेंज करते हैं रैक से उतार के या फिर पेटी से निकाल के, और हम लोग इसको वो रिटेलमेंट सॉफ्टवेयर पे ही हम लोग बिल करके लोगों तक भिजवाते थे। 2020 में हम लोग एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था जहाँ से हम लोग एप्लीकेशन से हम लोग सामान को ऑर्डर लेते थे और सामान का ऑर्डर हम लोग अरेंज करते थे, लेकिन बिल इसी पे करके निकालते थे। लेकिन अभी हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके साथ ही एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम भी आता है जो ऑनलाइन काम करता है। तो अगर आपका बिजनेस सिर्फ ऑनलाइन होम डिलीवरी बेस ही है तो आप इसी एप्लीकेशन के थ्रू आप बिल वगैरह बना सकते हो, या फिर आपके पास जो भी मोबाइल होगा एंड्रॉयड या फिर आईफोन होगा उस पे भी आप बिल वगैरह बना के जो लाइव इन्वेंट्री है वो कस्टमर को आप दिखा सकते हो। तो वो भी मैं आप लोगों को एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो आशीर्वाद आटा है, कुछ दाल वगैरह है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे कि उड़द दाल, तो यहाँ पे देखो उड़द दाल आ गया। तो इसको जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, इसके लिए हम लोग माउस यूज़ करेंगे और जो भी हम लोग जिस तरीके से इसको इंक्रीज करेंगे, पेमेंट कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट ऑर्डर करेंगे और थर्मल इनवॉइस भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ये देखो थर्मल इनवॉइस यहाँ से निकल गया, इस पर हमारा कैश ड्रॉअर वगैरह भी खुल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग बिल वगैरह बना के जो वॉक इन कस्टमर है उसको भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये तब तक अच्छा रहेगा अगर आपका मेन कस्टमर जो है वो ऑनलाइन है। थोड़े बहुत आपको कस्टमर आ रहे हैं, आप या तो कंप्यूटर से उसको बिल बना के दो, या फिर आपके पास जो मोबाइल होगा, जिस पे आपने वेंडर लॉगिन करके रखे हो उस पे भी आप बिल बना के दे सकते हो। लेकिन उस पे आपका प्रिंट नहीं निकलेगा, वो सारा पेपरलेस है। वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसे कि इस मोबाइल पे हम लोगों ने वेंडर लॉगिन करके रखा है, तो इसके अकाउंट पे जाएंगे और यहाँ पे जूपर पॉस बोल के एक ऑप्शन होता है, न्यू ऑर्डर करेंगे और हम चाहे तो यहाँ पे कुछ भी आइटम सर्च कर सकते हैं, जैसे कि हॉर्लिक्स सर्च करेंगे तो ये देखो जितने भी हॉर्लिक्स है वो सारे यहाँ पे आ गए। हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं मैन्युअली कितने क्वांटिटी लेना चाह रहे हैं वो, और चाहे तो हम यहाँ पे स्कैन करके भी कुछ भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस प्रोडक्ट को स्कैन किया तो यहाँ पे ऐड हो गया आइटम क्वांटिटी ऐड। तो नेक्स्ट करेंगे तो देखोगे कि ये हाजमोला हमने स्कैन किया था वो आ गया और हॉर्लिक्स जो यहाँ पे ऐड किया था। तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और कस्टमर का प्लेस ऑर्डर करेंगे, कैश लेंगे, प्लेस ऑर्डर करेंगे। इस तरीके से हम जितने भी वॉक इन कस्टमर हैं उनको भी हम सर्व कर सकते हैं। लेकिन मेनली हमारा फोकस वही रहेगा कि हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर इससे लें। तो ऑनलाइन ऑर्डर लेने के लिए किस तरीके से ये काम करता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेरा मोबाइल है और ये वेंडर का मोबाइल है, आपके मोबाइल पे ये वाला ऑप्शन रहेगा। तो मैं एक कस्टमर हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे बिगन बाई दिख गया, यहाँ पे सारे वो स्टोर दिखता है और मैं एडिबल ऑयल मैं ले रहा हूँ एक पैकेट, बैक किया और उस पे उसके बाद मैं ले रहा हूँ मान लो कि ग्रोसरी के कुछ सामान ले रहा हूँ, मैं एक चावल का बोरा ले रहा हूँ, एक फॉर्चून सोया ले रहा हूँ, एक ब्लैक पेपर 100 ग्राम ले रहा हूँ और पॉपी सीड भी ले रहा हूँ और जीरा भी ले रहा हूँ और बादाम भी ले रहा हूँ, पीनट्स। तो ये हुआ है 1587 रुपये। व्यू काट करेंगे, मैं अपना एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे दिखेंगे कि 7 आइटम हुआ है, 7 क्वांटिटी हुआ है, चेकआउट करेंगे और ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर हम लोग प्लेस कर देंगे। जैसे ऑर्डर प्लेस करेंगे आप
देखोगे यहाँ पे तो दिखता है कि कहाँ से कहाँ तक आएंगे ये वगैरह वगैरह। और हमारा जो ऑनलाइन POS सिस्टम है उस पर भी यहाँ पे एक ऑर्डर का नोटिफिकेशन आ जाता है। साथ ही में जो ये मोबाइल है, मोबाइल पे भी आप मैनेज ऑर्डर पे जाओगे तो मैनेज ऑर्डर पे जाते ही आपको जो अभी मैंने ऑर्डर किया था वो यहाँ पे ये देखो दिख गया। प्रोडक्ट पे क्रिएट कर टच करेंगे तो यहाँ पे देखो जो चीज़ मैंने ऑर्डर किया था इस मोबाइल से वो सारे ऑर्डर यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो डिलीवरी बॉय होगा उसको करना क्या होगा, ये सामान को देख के यहाँ पे अरेंज करना होगा अपने जो भी कार्ड वगैरह होगा, और वो चाहे तो कस्टमर को यहाँ से ऑर्डर ट्रैक कर सकता है, इनवॉइस निकाल सकता है। ये देख लो इनवॉइस यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस दिखा रहा है, क्या क्या सामान लिया हुआ है, और चाहे तो इसको वो व्हाट्सएप कर सकता है इनवॉइस को, लेकिन यहाँ से प्रिंट नहीं निकलता, ये पूरा पेपरलेस होता है। तो अभी अगर चाहे तो वो कस्टमर को कॉल भी कर सकता है यहाँ से, ऐसे कॉल करेंगे तो कॉल हो जाएगा, और इसका मोबाइल थोड़ा पुराना है इसलिए थोड़ा स्लो काम कर रहा है, बहुत चार्ज भी नहीं है इसका। और क्या क्या ऑप्शन है चार्ज बंद होने से पहले मैं दिखा देता हूँ। चार्ज बंद हो रहा है, मैनेज ऑर्डर पे जाएगा, कस्टमर को यहीं से व्हाट्सएप भी कर सकता है, और वो भी मैं दिखा देता हूँ, ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वेंडर को कॉल कर सकते हैं। ये ऑप्शन कोई काम का नहीं है क्योंकि ये खुद ही वेंडर है, और ऑर्डर को स्टेटस को अगर जैसे डिलीवर करेगा तो डिलीवर स्टेटस भी वो लगा सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अगर जितने भी टाइम उनको भी इनवॉइस चाहिए वो इनवॉइस यहाँ से निकाल सकता है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के वो शेयर भी कर सकता है अपने कस्टमर को। तो इस तरीके से, और हाँ कस्टमर का जो गूगल लोकेशन है वो भी वो यहाँ से देख सकता है। इसका बैक क्यों नहीं हो रहा है, रुको बैक भी होगा, लेकिन इसका मोबाइल थोड़ा स्लो है, बहुत पुराना मोबाइल है। यहाँ पे ऑर्डर आईडी दिखता है, वेंडर दिखता है, और बैक करोगे और यहाँ पे अगर टैप करेगा तो सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, कौन क्या क्या ऑर्डर किया गया है। और जैसे यहाँ पे टैप करेगा तो गूगल मैप भी खुल जाएगा, तो यहाँ पे मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मेरा पूरा एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, तो मैप के थ्रू वो कस्टमर के घर तक भी जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग अपने ऑनलाइन ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं, और एंड ऑफ द डे कितना कितना सामान सेल हुआ है, या फिर एंड ऑफ द वीक कितना कौन कौन से सामान कितना कितना सेल हुआ है, वो हम लोग एक साथ PDF में भी निकाल सकते हैं, एक्सेल में भी निकाल सकते हैं। तो वो भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करेंगे, और 31 तारीख को हम लोग दो बार क्लिक करेंगे तो 2 सिलेक्टेड दिखाएगा। ओके, तो एक ही दिन का वो दिख रहा है, और यहाँ पे देखो 3 डिलीवर्ड हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल्टर होके 3 ऑर्डर आ जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 3 ऑर्डर सिलेक्ट हो जाते हैं, और कैलकुलेट समारी करेंगे तो नीचे देखो एडिबल ऑयल 1 लीटर फॉर्चून का इस ऑर्डर में 1 क्वांटिटी, तो कितने कितने क्वांटिटी कौन कौन सा सामान बिका है, ये 3 क्वांटिटी उड़द दाल 3 क्वांटिटी में बिका है 500 ग्राम करके, तो वो भी दिखा रहा है। तो इसको हम लोग PDF पे डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, तो डाउनलोड अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी यहाँ पे दिखता है। तो इसे निकाल के अगर आपके पास कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो उसमें जाके आप इसको अकाउंटिंग मतलब कैलकुलेशन वगैरह अलग से कर सकते हो, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे है। तो ये एक दिन का भी निकाल सकते हो आप, पूरे महीने का निकाल सकते हो, आपके हिसाब, आप अपने तरीके से इसको फिल्टर करके निकाल के अपने जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसमें आप इसको डाल के अपना इन्वेंट्री वगैरह मैनेज कर सकते हो, या फिर अकाउंटिंग मैनेज कर सकते हो। क्योंकि इस ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऑनलाइन होम डिलीवरी के लिए, ऑनलाइन ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए सही है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए, एक्चुअल अकाउंटिंग के लिए आपको ऐसे रिटेलमेंट जैसा सॉफ्टवेयर ही चाहिए होगा। तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो इसके लिए तो ये सही है, लेकिन दोनों, अभी मैं ये बताऊंगा, अगर आप दोनों चीज़ कर रहे हो कि वॉक इन कस्टमर को भी मैनेज करना है और आपको होम डिलीवरी भी मैनेज करना है, वो कैसे करोगे, जो हम लोग अभी कर रहे हैं, ये जो चीज़ है इसी को लेके हम लोग कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग,
जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जितने भी ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं हम लोग ये जोपर से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंड ऑफ द डे हम लोग या फिर एंड ऑफ द वीक हम लोग यहाँ से ये निकाल रहे हैं कि कितने कितने सामान कौन कितने कितने क्वांटिटी का बिका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक ही लाइन में कहीं पे एंट्री कर देंगे, तो हमारा इन्वेंट्री यहीं पे मैनेज हो गया, एक ही जगह पे मैनेज हो गया। लेकिन हम लोग प्राइस को कैसे मैनेज कर रहे हैं वो आप लोगों को अभी दिखाऊंगा, उसका भी हम लोगों ने इसका तोड़ निकाला हुआ है, क्योंकि ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है और ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। अभी आप लोग बोलोगे कि क्यों हम लोग इसी में क्यों सब कुछ नहीं कर सकते, हम लोग इसी में सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे हमारा इसका हम लोग डेवलप करते जाएंगे और ये सारा चीज़ इसी अकाउंट पे मतलब इसी एप्लीकेशन पे हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं है और ना ही इंडिया में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है या फिर ऐसा कोई सॉल्यूशन है जो इस तरीके से इस प्राइस रेंज में हम लोगों को इस तरीके का सॉल्यूशन दे सके। तो अभी के लिए तो नहीं है, लेकिन इसको हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं और धीरे धीरे हम लोग इसको कस्टमाइज़ करके एक ही सिस्टम में आगे जाके लेके आएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो वॉक इन कस्टमर है उनको सर्व करने के लिए रिटेल मैन से बेहतर कुछ भी नहीं है। ये जितना जल्दी ये बिल करता है, जितना जल्दी ये फास्ट ये काम करता है, वो कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं करता है गाइस, आज तक मैंने देख लिया है। जो मतलब इसके आगे सब कुछ फेल है, इतना फास्ट ये बिल करके देगा आपको, आप कुछ भी ले लो, कोई भी सामान ले लो, मतलब इतना फास्ट ये काम करता है, ये मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो इसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन, मैं आपको ये दिखाता हूँ। और ये सारा चीज़ 99% चीज़ हमारे कीबोर्ड से हो जाता है, तो मतलब हम लोग इतना जल्दी काम करेंगे, इतना आसान है, तो फटाफट करेंगे, मतलब क्या ही बताऊँ आपको। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। जैसे कि मैंने एक बिल निकाल के रखे हैं, तो इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस पर एक ही लाइन है इसीलिए मैं इसको निकाल के रखे हैं। तो जैसे भी कोई भी नया प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये जैसे धारा केजीओ मतलब मस्टर्ड ऑयल है, तो यहाँ पे हम लोग परचेस एंट्री करेंगे, क्योंकि ये नया स्टॉक है, हम लोग मैनेज इस तरीके से कर रहे हैं। तो परचेस के लिए हम लोग ये जिसका भी है मैं एक दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो धारा मस्टर्ड ऑयल, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे धारा मस्टर्ड ऑयल आ गया। और कितने क्वांटिटी हमने ख़रीदा है, यहाँ पे 12 पीस हमने ख़रीदा हुआ है। और क्या प्राइस पड़ा है आप हमारा, 119 रुपये, सॉरी इंक्लूड टैक्स 125 रुपये है। तो हमने 125 रुपये ऑटोमेटिक देखो पहले से आ गया, ठीक है। और हमने यहाँ 1500 आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम लोग ये एंट्री कर रहे हैं ना, इसके नीचे देखो इसका रिटेल और ट्रेड मतलब किस प्राइस में हम लोग इसको बेच रहे हैं, 131 में बेच रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि 132 में बेच रहे हैं इसको, 125 में ख़रीदारी है, 132 में हम लोग बेच रहे हैं, 165 इसका MRP है। तो हम मैं क्या करूँगा, इस जगह पे यहाँ पे लिखूँगा 132 165 MRP है, 132 इसका सेलिंग प्राइस है। और इसको मैं गौतम को दे दूँगा, वो अपने मोबाइल को खोल के सिर्फ ये इस प्रोडक्ट पे मतलब धारा मस्टर्ड ऑयल पे ये MRP और प्राइस अपडेट कर देगा। जितने बार हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, हमें सिर्फ वहाँ पे इन्वेंट्री हम लोग जोपर पे नहीं रख रहे हैं, इन्वेंट्री हमारा सारा चीज़ इसी रिटेलमैन पॉज पे ही है। एक काम हम लोग सिर्फ मैन्युअली कर रहे हैं, क्योंकि वो सारा चीज़ जोपर का सारा चीज़ वो हैंडल कर रहे हैं। तो उसको हम लोग ये परचेस बिल एंट्री करके उनको पकड़ा देंगे, और वो सिर्फ उसका काम यही रहेगा, जो सारे सामान का प्राइस यहाँ पे चेंज हुआ है उसी को हम लोग यहाँ पे नोट करके इसको दे देंगे, और वो अपने मोबाइल खोल के मैनेज प्रोडक्ट पे जाके सिर्फ ये दो प्राइस अपडेट कर देगा अगर ये चेंज हुआ है तो। सिंपल है। तो ये छोटा सा चीज़ हम लोग को करना पड़ रहा है ऑफलाइन और ऑनलाइन को मैनेज करने के लिए। जय श्री राम।